Assalamualaikum जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नंबर वन दुनिया का कह लें कि वर्स्ट फूड आइटम है जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, जिससे हमारे हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 20 से 35% तक इंक्रीज हो जाता है. तो जी वो वर्स्ट फूड जो है वो आप सोच रहे होंगे कि मैं चीनी की बात करूंगी, तो ऐसा नहीं है. चीनी भी आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फूड आइटम के बारे में जो हम डेली बेसिस के ऊपर अपने डाइट में यूज़ कर रहे होते हैं और वो हमारे घरों में जो है वो अवेलेबल होता है, हर टाइम होता है और हम उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि वो आइटम, फूड आइटम जो है वो कुछ कोई और चीज़ नहीं बल्कि वो हमारे पास क्या है, ऑयल्स हैं जो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, कुकिंग ऑयल्स, ठीक है, जिनके ऊपर ये मेंशन किया होता है कि ये इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और ये हमारी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं होता. आज की वीडियो में मैं आपको तमाम इन रीज़न्स के बारे में बताऊँगी कि हमने कुकिंग ऑयल्स जो हैं वो कौन से यूज़ करने हैं और जो है उनके क्या क्या नुकसान हमारी बॉडी में हो सकते हैं. आज मैं आपको बताऊंगी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के बारे में जो हमारे कुकिंग ऑयल्स में पाए जाते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाकर ट्रांस फैट्स बनाते हैं. ये रीज़न है ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के लिए जो है वो बहुत हार्मफुल होते हैं. ये हमें जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दिल की अमराज हैं, जिसमें हार्ट अटैक जो है वो नंबर वन पर आता है. इन कुकिंग ऑयल्स में हमारे पास आते हैं कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन कॉर्न ऑयल में भी एक हाई अमाउंट पाई जाती है ट्रांस फैट्स की, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की. देन उसके बाद आ जाते हैं सोया ऑयल्स, देन उसके बाद इवन दैट के मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी जो हम अपनी डाइट में यूज़ करें तो उससे भी जो है वो हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में जो है वो एरोसिक एसिड पाया जाता है जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. उसके साथ साथ बहुत सी रिसर्च से पता चला है कि मस्टर्ड ऑयल जो अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है, जिससे बहुत ज़्यादा कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, जिसकी बिना पर बहुत सी कंट्रीज ने कुकिंग ऑयल्स जिसमें ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं उन ऑयल्स को बैन कर दिया है. FDA जो है हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका में है, उसने क्या किया है कि अमेरिका में 2015 में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं उनमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ट्रांस फैट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका इस्तेमाल उन्होंने सेफ यूज में से निकाल दिया था. तो फिलहाल तो बाकी तमाम जितनी अमेरिका वगैरह हैं उनमें इन ऑयल्स का इस्तेमाल जो है वो बैन है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में ये ऑयल आपको जगह जगह पर यूज होता नजर आएगा. इवन दैट के हमारे घरों में भी ये ऑयल यूज हो रहा होता है. बाहर से जो हम चीजें वगैरह परचेज करते हैं, लाइक बेकरी आइटम्स हो गई, कोई फ्राइड आइटम्स हो गई, जिस तरह के बाजारी समोसे हो गए, पकोड़े हो गए और आलू की चिप्स हो गई, ये तमाम चीजें जो है अगर हम इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्रांस फैट्स जा रहे होते हैं जो हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को 20 से 35% तक इंक्रीज कर देते हैं. अब मैं आपको बताती चलूँ कि ट्रांस फैट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ना सिर्फ हार्ट अटैक, हार्ट के अमराज, ये बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस का भी जो है वो वजह बनते हैं, जिनमें से हमारे पास सबसे पहले आता है कि ये हमारी खून की नालियों को सख्त कर देता है. ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है, डायबिटीज़ कॉज कर सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बना सकता है और इसके साथ साथ बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ को डिवेलप कर सकते हैं हमारी बॉडी में. लाइक ऑटो इम्यून डिजीज़ में आ जाती हैं हमारे पास आर्थराइटिस आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है, जिसमें हमारे जो है वो घुटनों में और जोड़ों में दर्द रहता है. ट्रांस फैट्स जो है ये हमारी बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो बढ़ाता है और जो हमारा HDL है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम कर देता है. तो अगर अब हम इन ऑयल्स की और ये जो बाहर से हम परचेज कर रहे होते हैं और घी वगैरह की मेकिंग की बात करूँ तो ये पार्शली हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है जिससे जो है वो इन ऑयल्स को बनाया जाता है जो हमारी बॉडी में एक गुड क्वांटिटी एडमिनिस्टर कराते हैं ट्रांस फैट्स की. ट्रांस फैट्स जो हैं ये बेसिकली पार्शली हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं जिसमें वनस्पति घी भी आता है और जितना भी मतलब देसी घी भी इसी में ही आता है.
लेकिन जो है हम जब बाहर से परचेज कर रहे होते हैं तो वो पैक्स के ऊपर या बॉटल्स के ऊपर पीछे मेंशन किया होता है कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। तो अगर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड उसके ऊपर मेंशन किया हो तो आपने वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी है। अब हम आते हैं स्मोकिंग पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत सारे कंपनीज ने मेंशन किया होता है हाई स्मोकिंग पॉइंट, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के लिए लेस हार्मफुल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाई स्मोकिंग पॉइंट पे जिनके ऊपर मेंशन किया होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के बारे में। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जितने भी हैं हमारे इधर पाकिस्तान में या जहाँ भी, वहाँ पर भी ये ऑयल्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ पर अपनी कोई एक आधी मील जो है वो लेते हैं तो आप एक हाई क्वान्टिटी जो है वो ट्रांस फैट्स के अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है जी, जिससे हमारी हार्ट डिजीज और बॉडी में डिफरेंट जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप बाहर से कुछ खा भी रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी में खाएं, मतलब बहुत मतलब कभी कभार खाएं, और खा रहे हैं तो एहतियात से खाएं, और क्योंकि अपनी सेहत से भरकर इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। मींस के अगर हम 2% ट्रांस फैट्स पे अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो इससे हमारे हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 20-35% तक बढ़ जाता है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।